सातवें चरण में जहाँ मुख्यमंत्री का जमीन खिसक गई है और भाजपा के कैंडिडेट को लोग नकार चुके हैं, इसके अलावा भाजपा के पास है क्या दंगा के अलावा? अब उनके पास दो ही चीज है, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी और दूसरा ये दंगा भी करा सकते। मधुसूदन त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी पर लगाए गंभीर आरोप। गोरखपुर में दंगा कराने और ईवीएम में गड़बड़ी का लगाया आरोप। प्रमोद तिवारी के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने देने से नाराज मधुसूदन। योगी गोरखपुर में बाहरी को लाकर जिताना चाहते हैं, जो नहीं होगा। गोरखपुर से कांग्रेस प्रत्याशी मधुसूदन त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक योगी गोरखपुर में जीतने के लिए ईवीएम गड़बड़ी से लेकर दंगा तक करा सकते हैं, इसलिए वो यहीं पर जमे हुए हैं। मधुसूदन ने कहा कि वो रात में लाइट कटवा कर ईवीएम में गड़बड़ी करवा रहे हैं, जिससे बटन तो पंजे का दबाएंगे लेकिन वोट कमल के फूल पर ही पड़ेगा। मधुसूदन ने भाजपा पर यह आरोप तब लगाया जब स्थानीय प्रशासन ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की सभा को परमिशन नहीं देकर होने से रोक दिया। मधुसूदन त्रिपाठी ने कहा कि वहां पर प्राइवेट आदमी क्यों जाते हैं जहां ईवीएम रखी हुई है। ईवीएम पर मुझे कोई विश्वास नहीं है, जनता मुझे वोट देगी लेकिन योगी इसे ईवीएम से बीजेपी में कन्वर्ट करा सकते हैं। मधुसूदन ने कहा कि योगी जानते हैं कि मैं यहाँ का बेटा हूँ और वो अपनी पार्टी के लिए एक बाहरी को लाए हैं। मधुसूदन ने कहा कि क्योंकि यहाँ पर 15 से 20 ब्राह्मणों के गांव हैं, इसलिए प्रमोद तिवारी का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया गया। ये सब योगी की बौखलाहट दिखाता है। मधुसूदन ने योगी आदित्यनाथ पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप भी लगाया। मधुसूदन ने भाजपा और आरएसएस पर दंगा कराने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से अपील की है कि वो यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव कराए। इतने के लिए क्योंकि जान गए हैं कि भाजपा कैंडिडेट को जनता नकार चुकी है और वो यही पड़ाव डाल करके बैठ गए। अब उनके पास दो ही चीज़ है, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी और दूसरा ये दंगा भी करा सकते हैं। तो मुझे चुनाव आयोग से ये निवेदन करना है कि ये किसी भी तरह के जो आरएसएस के लोग हैं, ये दंगा फसाद न करावें, चुनाव कायदे से चुनाव आयोग करा दें और सख्ती से। ये नहीं कि ये मुख्यमंत्री है तो उनके कार्यकर्ताओं को नहीं चेक करेंगे और कांग्रेसाई इस समय सत्ता में नहीं है तो उनके कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न करेंगे। इसके लिए मैं विशेष रूप से चुनाव आयोग को सजग करना चाहता हूँ कि गोरखपुर में जो चल रहा है वो ऐसा न हो कि यहाँ कोई चुनाव लड़ने ही ना। सातवें चरण में जहाँ मुख्यमंत्री का जमीन खिसक गई है और भाजपा के कैंडिडेट को लोग नकार चुके हैं, इसके अलावा भाजपा के पास है क्या दंगा के अलावा?